दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग को बताने वाला हूं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का स्विफ्ट कोड कैसे पता करें। जैसे कि आपके पास इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का अकाउंट है और आप अपना जो बैंक अकाउंट को एक्सचेंज अकाउंट में जोड़ने की कोशिश करते हैं, तो उसमें आपको स्विफ्ट कोड की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि फेसबुक या इंस्टाग्राम या कहीं भी बैंक अकाउंट जोड़ते हैं तो उसमें आपको स्विफ्ट कोड की ज़रूरत पड़ती है, तभी आप अपना जो कोई भी इंटरनेशनल पेमेंट मंगा सकते हैं। लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का स्विफ्ट कोड पता कर सकते हैं, इसका स्विफ्ट कोड क्या होता है, पूरी डिटेल इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो पर वॉच करना होगा, वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का स्विफ्ट कोड कैसे पता करें, बहुत सारे हमारे वीडियोज़ के अंदर कमेंट आया था, तो सोचा कि मैं इस पर एक वीडियो बना दूं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का स्विफ्ट कोड क्या होता है। जैसे कि बहुत सारे लोग कमेंट करते थे कि सर अभी बताइए कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का स्विफ्ट कोड क्या है और आपको कैसे इसे यूज़ करना पड़ेगा, इस स्विफ्ट कोड कहाँ से मिलेगा, पूरी डिटेल इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का स्विफ्ट कोड निकालने के लिए, जैसे भी मैं गूगल या क्रोम ब्राउज़र को ओपन करता हूँ, कोई भी आप अपना जो स्विफ्ट कोड निकालता है तो गूगल या क्रोम ब्राउज़र से ही स्विफ्ट कोड निकालता है, ठीक है, बैंक की वेबसाइट से या कोई अदर वेबसाइट से जैसे कि स्विफ्ट कोड मिलता है। तो जैसे कि मैं यहाँ सर्च करता हूँ IPVB स्विफ्ट कोड, ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ IPVB स्विफ्ट कोड यहाँ सर्च किया तो देख सकते हैं आपके सामने कुछ इस तरह के वेबसाइट आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। नीचे आपको बहुत सारा आपको स्विफ्ट कोड मिल रहा होगा, देख सकते हैं व्हाट इज़ इंडिया पोस्ट स्विफ्ट कोड, ये भी आपको वेबसाइट मिला है। जैसे कि मैं कोई भी वेबसाइट पर क्लिक करके यहाँ से मैं देखने की कोशिश करता हूँ, उसके बाद मैं अपने तरफ से बताऊँगा कि इसका स्विफ्ट कोड क्या होगा। देख सकते हैं इसमें स्टेट वगैरह चुनने का ऑप्शन आता है, इसमें एक दिल्ली का ब्रांच है, वहीं दिल्ली का पूरे इंडिया में ब्रांच रहता है, ठीक है, जैसे कि देख सकते हैं मेन। उसके बाद यहाँ स्विफ्ट कोड देख रहे हैं तो यहाँ कहीं भी आपको स्विफ्ट कोड नहीं मिल रहा है, एक स्विफ्ट कोड यहाँ बताया जा रहा है लोग, लेकिन स्विफ्ट कोड फर्जी है, ठीक है, डुप्लीकेट है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पूरा डिटेल एड्रेस बताया जा रहा है, एड्रेस सब कुछ सही है लेकिन स्विफ्ट कोड एक गलत है, ठीक है, जो गलत कैसे मैं आपको दिखा। तो दोस्तों, गलत इसलिए है कि जैसे कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जो एक डिजिटली बैंक है, ठीक है, जैसे कि एयरटेल पेमेंट बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक, फिनो पेमेंट बैंक, जितना पेमेंट बैंक आता है ना वो सारा डिजिटली पेमेंट होता है, उससे इंडिया को इंडिया से बाहर का पेमेंट नहीं ले सकते, उसका स्विफ्ट कोड होता ही नहीं, ठीक है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का भी स्विफ्ट कोड नहीं होता है, मैं कस्टमर केयर से खुद बात करके वहाँ से जानकारी लिया था, और बहुत सारे लोग स्विफ्ट कोड गलती डाल देते हैं, अपने अकाउंट नंबर डाल देते हैं तो उसका पैसा फंस जाता है, ठीक है, पैसा नहीं आ पाता है। तो यहाँ देख सकते हैं इस वेबसाइट में फर्जी वेबसाइट बनाएगा, जैसे कि इस वेबसाइट को रिंगिंग कराने के लिए सब बनाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं, लेकिन इसका स्विफ्ट कोड नहीं होता है। देख सकते हैं एक IFSC कोड होता है, जो आपको IFSC कोड यहाँ आपको दिख रहा होगा, स्विफ्ट कोड नहीं है, सिर्फ IFSC कोड है। जैसे कि आप पैसा किसी को अकाउंट नंबर देकर ट्रांसफर करते हैं उसमें IFSC कोड लगता है, लेकिन आपको स्विफ्ट कोड चाहिए तो स्विफ्ट कोड अलग होता है, जो कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का स्विफ्ट कोड अभी तक लॉन्च ही नहीं हुआ है, इसका स्विफ्ट कोड होता ही नहीं है, ठीक है, इससे एक्सचेंज का पेमेंट नहीं मंगा सकते हैं। और आप कोई भी गलत स्विफ्ट कोड डाल दिए हैं तो उसको जल्दी से रिमूव करके दूसरा बैंक अकाउंट ऐड कर लीजिएगा, क्योंकि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का स्विफ्ट कोड नहीं होता है और अभी तक कोई लॉन्च नहीं हुआ है। जो भी आगे इन्फॉर्मेशन मिलेगा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के स्विफ्ट कोड की ओर से, तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर से अगले वीडियो में आपको बता दूंगा इस चैनल के माध्यम से। तो बस इतना ही इस वीडियो में जानकारी देना था कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में स्विफ्ट कोड कुछ नहीं होता है, आप ज़्यादा परेशान मत होइए, डाटा और समय दोनों बर्बाद होगा, ज़्यादा आप सर्च कीजिएगा तो बस आप दूसरा बैंक अकाउंट ऐड कर लीजिए, कोई भी स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा या ICICI, बहुत सारा ऐसा बैंक है, वो बैंक यूज कर लीजिए और इस बैंक में आपको स्विफ्ट कोड नहीं होता है और ना ही आप एक्सचेंज से पेमेंट ले सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर।